हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, सबसे पहले जो लोग हमारे एनालिसिस फॉलो नहीं करता वो सब बस क्या करो, कुछ करके फ़ायदा नहीं, ठीक है। और जो लोग एनालिसिस फॉलो करते हैं उन लोगों को बिग कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट आज बुक कर लिया होगा। और जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो उन लोगों को भी बिग कॉन्ग्रेट्स, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब बताते हैं क्यों क्यों बताएंगे, उससे पहले बता दें प्रॉफिट कितना बुक किया। ओके, इंडेक्स में ओनली बैंक निफ्टी में हमने 750 पॉइंट्स, ओके, ओनली बैंक निफ्टी में 750 पॉइंट्स हमने कवर किया है आज। ओके, निफ्टी में ट्रेड नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा पॉइंट्स हमको दे दिया है। और ओवरऑल प्रॉफिट हमने प्रीमियम ग्रुप में बुक किया है 34K प्लस। ओके, ओनली एक एक लॉट का प्रॉफिट काउंट किया है। अगर किसी का बैंक निफ्टी में, सोच लो, किसी का 4 लॉट हो सकता है, किसी का 5 लॉट हो सकता है, किसी का 10 लॉट भी हो सकता है, और एक लॉट में 750 पॉइंट्स का प्रॉफिट, तो कैलकुलेट कर लेना कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, तो इसलिए अगर हम अब हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मिनिमम सा फीस है, पे करके ज्वाइन हो सकते हो। और अगर फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर सारा कॉल्स आपको फ्री में मिल जाएगा। आज भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया था और यूट्यूब चैनल में भी आपको मिल जाएगा, आज भी शॉर्ट्स बनाकर मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। अभी वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर में सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और अगर सब्सक्राइब करोगे और क्या फ़ायदा होगा, जब लाइव मार्केट में जो अपडेट होता है मैं शॉर्ट्स बनाकर डालकर अपलोड कर देता हूँ, उसके हेल्प से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। कोई भी नहीं करता, सिर्फ मैं ही लाइव मार्केट का शॉर्ट्स डाल देता हूँ अपलोड करके, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपली मैंने कल बोला था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है, 36,875 के ऊपर मैंने बोला था बाइंग के लिए, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हल्का सा नीचे आया, रिजेक्शन लिया इस सेम पॉइंट पे जहाँ पर मैंने बाइंग के लिए बोला था। अब मान सकते 36,800 से रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लेकर देखो इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया है मार्केट, इसने बड़ा सा स्पाइक बनाया, ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया, और इस कैंडल के ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू किया यहाँ पर हमने एंटर किया और स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर हमारा लगा था, हल्का सा पुल बैक लिया और सीधा देखिए मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा दोबारा पुल बैक जैसा लिया, एक रेंज जैसा बनाया, उसके बाद दोबारा ऊपर गया, एक रेंज थोड़ा सा क्रिएट किया, उसके बाद दोबारा ऊपर गया। तो ऐसे करके 750 पॉइंट्स हमने कवर कर लिया था बैंक निफ्टी में, ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते, ठीक है, स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करना जरूरी है। तो हमारे एनालिस्ट के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिल गया। तो अब देखते हैं कल क्या हो सके, कल मार्केट हॉल भी कर सकता है, ठीक है, तो कल एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी मार्केट मेरे हिसाब से कल हॉल ही करना चाहिए, तो देखते हैं। तो गाइस देखो, कल मैंने जैसे कि बोला था यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जिसको आज ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कल मार्केट यहाँ तक जा सकता है, इस पॉइंट तक इजीली जा सकता है। देखो यहाँ पर जाकर थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर सकता है, कल एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा हल्का सा अप मूव करके मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, होल्ड करने के बाद दोबारा ऑल टाइम मूव के लिए जा सकता है मार्केट। तो बिल्कुल ध्यान देना, कल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, अच्छे से ट्रेड लेना, ठीक है। तो आज ये जो अच्छा एक तो ब्रेकआउट देखो, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है, हेल्दी ब्रेकआउट, ठीक है, तो इसके नीचे सेल करना और आज के हाई के ऊपर कल आपको बाय करना है। तो सीधा 15 के चार्ट पे चलते हैं और अभी आपको बताते हैं क्या करना है, ठीक है। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को क्या बताया, अच्छा खासा प्रॉफिट आज बुक हो गया शायद, ठीक है, इसके ऊपर आपको बाय करना है और इसके नीचे आपको सेल करना है। कुछ भी नैरोडाउन वगैरह करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नैरोडाउन करके मैंने दे दिया। अगर सेल करोगे तो आपको इजीली यहाँ तक का प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अपसाइड मैंने एक टारगेट आपको दे दिया, कल मेरे हिसाब से मार्केट क्या हो सकता है, गैप अप ओपन, अगर गैप अप ओपन होगा ज़्यादा तो मार्केट सीधा हॉल्ट करेगा, ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर रिजेक्शन लिखता है। अगर फ्लैट ओपन होगा तब यहाँ तक आपको टारगेट देगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला जा सकता है, ठीक है, मार्केट का बारे है, कुछ नहीं बोल सकते, मैं तो बस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैट ओपन होगा और बूम करके ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाए, तो मार्केट का कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, एनालाइज करके आपको दे रहे हैं। हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही मैक्सिमम टाइम तो मार्केट मूव करता है, प्रॉफिट भी देता है, तो हमारा यही काम है, ठीक है। तो इसको एनालाइज करके दे दिया, अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है।
तो अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में हमने आज ट्रेड तो नहीं लिया, फिर भी आपको बताते हैं अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो। सिंपल हमने बोला था 7828 के ऊपर आपको बाय करने के लिए। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर कुछ टाइम वेट किया, उसके बाद नीचे आया तो मैंने बोला था 7744 के नीचे आपको सेल करना है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर गया। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पे एक बार एंटर करते तो स्टॉप लॉस जीरो होता, उसके बाद दोबारा एक चांस दिया, अगर आप यहाँ पर बाय करते तो आपको प्रॉफिट मिल जाता इजिली यहाँ तक। ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट दिया है निफ्टी ने, तो सीधा आप डेली टाइम फ्रेम पे चलते और कल के लिए एनालिसिस करते एक्सपायरी डे कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखो अच्छा खासा हेल्दी तो एक ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद आज थोड़ा सा मूवमेंट इतना खास नहीं था फिर भी। तो गाइस देखो, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ तक इजीली टारगेट दे देगा। ठीक है, ये पॉइंट को ब्रेक करेगा तो आपको ये फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट ऑल टाइम हाई तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो सीधा हम 15 के चार्ट पे चलते हैं और आपको लेवल्स निकाल के देते हैं। चलो, तो इसके ऊपर आपको करना है बाय और इसके ऊपर जाना पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट देखो ऊपर जाते वक्त लास्ट टाइम में बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है देखे, ऊपर गया पुल बैक लिया, ऊपर गया पुल बैक लिया, ऊपर गया, अब थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, ओके, होल्ड किया मार्केट, तो होल्ड करने के बाद दोबारा ब्रेकआउट दे सकता है और यहाँ तक आपको टारगेट इजीली दे सकता है। तो कल ध्यान से ट्रेड लेना, कल एक्सपायरी भी है, ओके। और अगर आपको सेल करना है तो आप एक काम करना, इस स्विंग लो के नीचे सेल करना। और अगर बाकी मोर अपडेट वगैरह चाहिए, और कुछ अपडेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, बाइंग के लिए बोला, सेलिंग के लिए बोला, 5 मिनट के चार्ट पे चलकर एक बार देखते हैं गाइस। कोई भी मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए मैं एक पॉइंट दे सकता हूँ आपको। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे भी आप सेल कर सकते हो, कल एक्सपायरी है तो मार्केट साइडवेज जा सकता है, साइडवेज जाएगा तो इसके अंदर ही अगर रेंज में रह गया तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, जो प्रॉफिट होगा सिर्फ ऑप्शन सेलर्स लेके चले जाएगा इसके, इसलिए इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। और एक्सपायरी के दिन हमेशा ऐसा करना, तुरंत स्कैल्प करना, स्कैल्पिंग, ओके, मतलब बाय करोगे उसके बाद 5 मिनट या 6 मिनट होल्ड करोगे, उसके बाद सेल करना, दोबारा बाय करना, दोबारा सेल करना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थीटा गे होता है, प्रीमियम डीके होता है, इसलिए अगर ऐसे करोगे तो प्रीमियम डीके इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आपको सब कुछ समझा दिया, अगर कुछ डाउट है, दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, आपका 1 लाख मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। आज के लिए इतना।